गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों को। आज फिर से हाजिर हैं लेकर के सब्जेक्ट BST लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट 12th क्लास का। मैं विजय कुमार सेन आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस। पिछली क्लास में हमने इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बातें की, और इम्पोर्टेंस की हमने जो बातें की तो इस इम्पोर्टेंस को हमने दो भागों में देखा। नंबर एक, इम्पैक्ट ऑफ LPG, इम्पैक्ट ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दूसरा वे हमने जो देखा, दूसरा वे था इसका लार्जर बिजनेस। दूसरा जो हमने इसका इम्पैक्ट देखा वो था लार्जर बिजनेस। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस एक तो इम्पैक्ट ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने बढ़ा दी। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई लार्जर बिजनेस। दोस्तों, आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले जो बिजनेस होता था वो बिजनेस में और आज के बिजनेस में अगर हम देखते हैं तो रात दिन का अंतर है। पहले का जो बिजनेस था उसकी शेप एंड साइज बहुत छोटी थी, एक गांव गली मोहल्ले तक सीमित थी, एक सिटी तक सीमित थी, एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित थी, हद मार के एक राज्य तक सीमित थी। लेकिन आज हमारा बिजनेस गली मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से निकल करके, नेशनल से निकल करके वर्ल्ड वाइड हो चुका है, पूरा वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। जब बिजनेस व्यावसायिक बिजनेस हमारा वर्ल्ड लेवल पर पहुंच चुका है तो नो डाउट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही बढ़ चुकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि लार्जर स्केल पर, बड़े लेवल पर बिजनेस जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन, ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन। अच्छा, ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन क्या है? बढ़ता प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवरकमिंग, जब यह प्रतिस्पर्धा कट थ्रोट कंपटीशन में बदल जाए, गला काट प्रतिस्पर्धा में बदल जाए, तो यह व्यवसाय के लिए हानिकारक होती है, समाज के लिए हानिकारक होती है, देश के लिए हानिकारक होती है। कंपटीशन होना चाहिए, फुल कंपटीशन इज ए गुड सिंबल ऑफ द नेशन, बट यही कंपटीशन अगर कट थ्रोट कंपटीशन बदल जाए, गला काट प्रतिस्पर्धा बदल जाए, तो यह कंपटीशन देश दुनिया के लिए हानिकारक होती है। और इंपॉर्टेंस की बात करें मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की, तो जब कंपटीशन बढ़ जाता है, जब कंपटीशन ओवर होता है, जितना अधिक कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही मैनेजमेंट की नीड ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है तो आइए देखते हैं। नंबर वन, हाउ टू डेवलप आवर बिजनेस। सबसे पहले मुश्किल होती है हमारे सामने कि इस गला काट कंपटीशन में हमें हमारे बिजनेस को कैसे बनाए रखना है, कैसे उसको ग्रोथ करनी है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप अकेले नहीं कर रहे, आपसे बेटर और भी दूसरे बिजनेस वाले उसी काम को कर रहे हैं, तो उनसे कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे अपने व्यवसाय को विकसित करना है, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका सोल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हमें मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। सेकेंड इज हाउ टू फेस, हाउ टू फेस चैलेंजेस। कंपटीशन में चैलेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे, उन फेस की सॉल्यूशन भी हमारे पास मैनेजमेंट में है। नंबर तीन, हाउ टू क्वालिटी प्रोडक्शन। मार्केट में क्वालिटी की कंडीशन है कि आप अगर इस स्टैंडर्ड का अगर कोई काम कर रहे हैं तो पता चलता है कि दो दिन बाद इस स्टैंडर्ड काम मार्केट में आ जाता है। तो अपने काम की, अपने प्रोडक्शन की एक क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। एक फीचर का कोई मोबाइल लॉन्च होता है, पता चलता है कि दो दिन बाद उससे बेस्ट फीचर का मोबाइल मार्केट में लॉन्च हो जाता है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है,
ठीक है, तो क्वालिटी जो चेंजेस हो रहे हैं, उस क्वालिटी चेंजेस की इस कंपटीशन में हम अपने आप कैसे मेंटेन करें, उस मेंटेनेंस के लिए भी किसकी जरूरत है, हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। तो हम बात कर रहे हैं हाउ टू क्वालिटी प्रोडक्शन एट कॉम्पिटिटिवली एंड चीपर, और ये हमें क्वालिटी जो है ये हमें चीपेस्ट भी चाहिए। क्वालिटी के चक्कर में अगर हमने हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, अगर उसकी प्राइस अगर ज़्यादा हो गई तो भी चीज़ बुरी है। आज का कस्टमर क्या चाहता है, आज का जो कंज्यूमर है, आज का जो कस्टमर है, वो चाहता है कि मुझे क्वालिटी भी बेटर मिले और चीज़ भी सस्ती मिले। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो चाइना का जो मार्केट इतना बड़ा जो बस गया, इतना बड़ा चाइना का मार्केट इंडिया में फैल गया, उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन यही था कि चाइना जो है वो क्वालिटी थोड़ी सी भले चाहे कम दे दे लेकिन उसकी चीज़ चीपेस्ट ज़्यादा है, सस्ती ज़्यादा मिलती है, और सस्ती होने के कारण ही उसने इंडिया के प्रोडक्ट को पीछे छोड़ करके चाइनीज प्रोडक्ट का पूरा मार्केट इंडिया में बसा चुका है, बना चुका है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की कि हाउ टू क्वालिटी प्रोड्यूस विथ चीपेस्ट कंडीशंस। तो सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी कि ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन, जितना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उतना ही इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का भी बढ़ रहा है। जितना बड़ा व्यवसाय उतना बड़ा ही मैनेजमेंट, जितना अच्छा कंपटीशन उतनी अच्छी नीड मैनेजमेंट की होती जा रही है। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा हमारा बिंदु है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, पिछली क्लास में हम रिसोर्सेज के बारे में बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं। अब हम यहाँ पर आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब है समुचित, सही तरीके से, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक स्कूल के लिए टीचर रिसोर्स है, टीचर तो मार्केट में खूब है लेकिन बेटर टीचर बहुत कम मिलेंगे। तो बात ये करें कि रिसोर्सेज हमारे पास में जो हैं उन रिसोर्सेज की कंडीशन लिमिटेड है। आज भी मार्केट में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, आज भी मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ों की बहुत कमी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज बहुत कम है, उन रिसोर्सेज का लिमिटेशन साथ में लगी हुई है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज किया जाए कि हमें उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, मैक्सिमम उनका यूज हो सके, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो बात कर रहे हैं कि नॉट ओनली डेवलपमेंट ऑफ एंड ग्रोथ, नॉट ओनली डेवलपमेंट Not only development and growth, but also optimum use of रिसोर्सेज। बट ऑल्सो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो हमें उनका अधिक से अधिक समुचित उपयोग करना चाहिए। जितना अच्छा उपयोग करेंगे मैनेजमेंट उतना ही अच्छा बनेगा, और मैनेजमेंट का यूज भी यही है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का किस प्रकार से उपयोग हमें करना है। दोस्तों, एक हीरा जो है उसकी पहचान जौहरी कर सकता है, बाकी दूसरे व्यक्ति के लिए तो वह कांच का टुकड़ा हो सकता है। ठीक उसी प्रकार रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना एक मैनेजर सिखा सकता है, बाकी अदर पर्सन के लिए तो वो एक नॉर्मल सी बात है। आगे चलते हैं इनोवेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन।
इनोवेशन। देखिए इंपोर्टेंस में हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की। चेंजेस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द नेचर। बदलाव प्रकृति का पहला सिद्धांत है, पहला नियम है। प्रकृति में बदलाव समय समय पर होता रहता है और उन बदलावों के अनुसार बदलना ही समझदारी कही जाती है। जैसा जैसा समय बने, जैसा जैसा बदलाव हो, उन बदलाव में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और हम उन बदलावों में बदलते हुए क्या कुछ ऐसा करें कि जो समाज, जो समय की मांग बने, और उस समय की मांग को बनाने के लिए हमें इनोवेशन पर फोकस करना होता है। व्हाट इज इनोवेशन? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनोवेशन क्या है। दैट इज समथिंग शुड बी न्यू इन योर आइडियाज, इन योर थॉट, इन योर वर्क। आपके सोच में, आपके विचार में, आपके कार्य करने के तरीके में कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। आपको पता है कि मार्केट में, अभी कुछ समय पहले की बात है, जियो फोन जब मार्केट में नहीं आया था, उससे पहले कई कंपनियां मार्केट में चल रही थी। वोडाफोन भी था, इसके अलावा आपके आइडिया भी था, एयरटेल भी था, बहुत सी कंपनियां मार्केट में चल रही थी। मार्केट में 3G और 2G प्लान चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जियो मोबाइल, रिलायंस ने एक ऐसा इनोवेशन किया कि 4G को लॉन्च किया, और 4G को जब लॉन्च किया तो मार्केट में ऑटोमेटिकली और नेट की स्पीड बढ़ गई। तो उसके कंडीशन ये हुई कि जो भी पुराने जो टेक्नोलॉजी थी, जो भी 3G 2G मोबाइल थे, वो सब साइड में हो गए और हर हाथ में 4G मोबाइल पहुंच गया। आज हम बात करें एक कंप्यूटर की और एक स्मार्टफोन की। पहले जहां पर हर घर की एक नीड होती थी कि एक छोटा कंप्यूटर घर में होना चाहिए या हमारे पास में होना चाहिए, या एक लैपटॉप की नीड होती थी, आज उस लैपटॉप की नीड को, आज उस कंप्यूटर की नीड को एक स्मार्टफोन ने खत्म कर दिया। तो ये क्या है? इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब है समय के अनुसार बदलना, और समथिंग शुड बी न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स इन योर वर्क, इन योर एक्टिविटीज। अगर आप समय के अनुसार बदल रहे हैं, इनोवेटिव हो रहे हैं, तो यू कैन डू एवरीथिंग। तो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस, प्रबंध की महत्वता क्या है। प्रबंध की महत्वता में हमने इनोवेशन की बात की। इनोवेशन हमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थॉट, न्यू आइडियाज, जनरेट करने पर फोकस करता है। जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ। अच्छा, इस इनोवेशन के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इस इनोवेशन के पीछे मेन ऑब्जेक्ट है सेटिस्फेक्शन। इस इनोवेशन के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? तो इस इनोवेशन के पीछे मेन उद्देश्य जो है वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स। ग्राहकों को मिलने वाला संतुष्टि, ग्राहकों का मिलने वाला संतुष्टि ज़्यादा होता है जब हम कोई नई चीज़ उसमें लॉन्च करते हैं। मार्केट में समोसे तो हर दुकान वाला बेचता है, लेकिन जयपुर में ठग्गू के समोसे फेमस क्यों है? क्योंकि उसके समोसों के अंदर इनोवेशन है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट है। तो इनोवेशन जहाँ होता है वहाँ मैनेजमेंट की नीड होती है, और इनोवेशन हमेशा ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन भी देता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। मैनेजमेंट की नीड वहां भी होती है जहां पर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के साथ में हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे, जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा ज्यादा फर्म होगा, उतने ज्यादा मैनेजमेंट की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैनेजमेंट है, इससे एक ग्रुप है ओनर, दूसरा ग्रुप है कस्टमर,
तीसरा ग्रुप है इन्वेस्टर, चौथा ग्रुप है सोसाइटी, पांचवा ग्रुप है गवर्नमेंट। ये सभी ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, और इन सबकी अलग अलग डिमांड है, इन सबकी अलग अलग डिमांड है। मार्केट में कस्टमर कुछ और चाहता है, इन्वेस्टर कुछ और चाहता है, सोसाइटी कुछ और चाहती है मैनेजमेंट से, ऑनर कुछ और चाहता है मैनेजमेंट से। अब मैनेजमेंट को इन सभी की नीड को फिलअप करना है, मैनेजमेंट को इन सभी की नीड को फिलअप करना है, तो कैसे फिलअप करेगा? इसलिए उसे मैनेजमेंट अपनाना जरूरी है। एक फर्म को इन सभी की नीड पूरी करनी है, इन सभी के नीड को पूरा करने के लिए उसे मैनेजमेंट को अपनाना जरूरी है। जितना ज्यादा पावरफुल, जितना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा, उतना ही अच्छा यह इनके नीड पूरी कर सकता है। ऑनर चाहता है कि उसे अच्छा बेनिफिट मिले, कस्टमर चाहता है उसे अच्छा क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट मिले, गवर्नमेंट चाहती है उसे अच्छा टैक्स मिले। तो ये सारी नीड्स हैं। आगे चलते हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अच्छा, बात कर रहे हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की। तो देखिए, जब मैनेजमेंट अच्छा होता है तो देश का भी, देश की जो इकोनॉमी व्यवस्था है उसकी भी, उसका भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ टिका हुआ किस पे है? सब कुछ टिका हुआ है रिसोर्सेज के ऊपर। सब कुछ रिसोर्सेज के ऊपर टिका हुआ है। और वो जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो मार्केट में लोगों का जीने का जो स्तर है वो जीने का स्तर बढ़ेगा, और जीने का स्तर जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होता है, देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो बच्चों, आज हमने बात की बिजनेस, सॉरी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में, कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है।